डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड एस्यूज और हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे चैप्टर थ्री फिजिकल साइंस के चैप्टर थ्री केमिकल कैलकुलेशन के एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो आप लोग हमें कॉमेंट में जरूर बताएं तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करता है देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ बैलेंस इक्वेशन ये सब रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपका केमिकल कैलकुलेशन से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं इक्वेशंस में से आता है ठीक है ये टोटल जो है पर ग्यारह इक्वेशन है और मैंने केमिकल कैलकुलेशन पे जो वीडियो बनाया है उसमें भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद बैलेंस इक्वेशन बताया हूं अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो ये आपका जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ बैलेंस इक्वेशन है CACO3 सी ओ थ्री ब्रेक हो जाएंगे हीट करने पर सीए ओ और CO2 टू में टू के सी एल ओ थ्री ब्रेक हो जाएंगे आफ्टर हीटिंग टू के सी एल प्लस टू तो सारे यहां पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है अब आ जाइए एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए कैल्शियम का फोर्टी कार्बन का बारह है ऑक्सीजन का सोलह है हाइड्रोजन का वन है सल्फर का बत्तीस है पोटासियम का थर्टी नाइन है क्लोरिन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये आपका जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है मैक्सिमम फिर भी आप अगर इसको याद रखेंगे तो बेटर रहेगा तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स अब आ जाता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में एक नंबर एमसीक्यू देखिए क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो किसमें सबसे कम मॉलिक्यूल है ऑप्शन है वन पॉइंट वन टू लीटर सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन बी है वन ग्राम मोल सल्फर डाइऑक्साइड थर्टी टू ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन डी है फोर इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वन पॉइंट वन टू लीटर देखिए वन लीटर है यहाँ पर क्या सल्फर डाइऑक्साइड इसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे मोलिक्यूल होंगे इसमें नहीं होंगे इसमें भी नहीं होंगे और इसमें भी नहीं होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ट वॉल्यूम ऑफ सीओ टू एट एस टी पी विल बी प्रोड्यूस बाई वन मोल सीओ थ्री देखिए प्रोड्यूस होंगे तो आप सभी को पता है, क्लास नाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं बाईस पॉइंट चार लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सभी को आंसर इसका पता होना चाहिए क्या हुआ

ज्यादा होंगे ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर वेट है कितना है सोलह है तो यहां पर ओ टू है टू होंगे होंगे तो और तो हाइड्रोजन का कितना है मोलिकुलर वेट वन तो यहां पर हाइड्रोजन दो है तो वन टू जो टू सोडियम का कितना है ट्वेंटी थ्री नाइट्रोजन का कितना है फोर्टीन तो सबसे ज्यादा किसका हुआ ओ टू का हुआ इसलिए ये आंसर हुआ है ओके okay? सबसे ज्यादा भारी है नेक्स्ट क्वेश्चन इस इस का मोलिकुलर वेट है, है अगर किसी गैस के वापर डेंसिटी अगर बत्तीस हो तो मोलिकुलर वेट इनमें से कौन होंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है टू डी टू डी का मतलब डी मतलब वापर डेंसिटी यानी मोलिकुलर वेट बराबर क्या होता है टू डी टू डी मतलब वापर डेंसिटी का दो गुना तो वापर डेंसिटी कितना दिया हुआ है बत्तीस तो और करेंगे एम रह जाएगा ठीक है टू इन टू बत्तीस तो एम इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए एम मतलब मोलिकुलर वेट बत्तीस दुगुना है चौसठ चौसठ होगा ठीक है यानी सिक्सटी फोर ऑप्शन देखिए सिक्सटी फोर ऑप्शन नंबर डी तो अगर वापर डेंसिटी थर्टी टू हो तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएंगे फोर ओके क्योंकि मोलिकुलर वेट इक्वल टू होता है टू डी डी मतलब okay? 2 वापर 2 वापर okay? ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा इससे बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे ठीक है नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए इफ द वॉपर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस फॉलोइंगन बी इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए अगर बोलता है कार्बन कंटेनिंग गैसेज का uh, कार्बन कंटेनिंग तेरा हो तो इनमें से कौन उसके जो है मोलिकुलर फॉर्मूला होंगे तो देखिये भापर डेंसिटी कितना दिया तेरा ध्यान दीजिएगा भापवा डेंसिटी कितना दिया तेरह वपर डेंसिटी डेंसिटी कितना दिया तेरा ओके तो हम लोग अभी क्या सीखे एम इज इक्वल टू टू डी डी मतलब तो एम बराबर एम बराबर टू एम से कितना है तेरा तो तेरह दोगुना कितना हो जाएगा छब्बीस यानी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा तेरह दोगुना छब्बीस यानी मोलिकुलर वेट कितना आना चाहिए छब्बीस तो किसका मोलिकुलर वेट छब्बीस होंगे किस यहां पर जो है बहुत सारे मोलिकुल मोलिक्यूल है तो किसका मोलिकुलर वेट छब्बीस होगा यानी कि मोलिकुलर मोलिकुलर फॉर्मूला हम लोग पूछा है ना तो जिसका मोलिकुलर वेट छब्बीस होगा वही उसका क्या होगा मोलिकुलर फॉर्मूला नंबर डी का होगा कार्बन का कितना मोलिकुलर वेट है बारह तो यहाँ पर कार्बन सी टू है तो बारह इंटू टू कितना हो गया बारह दो चौबीस और हाइड्रोजन कितना है टू हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट वन है वन इंटू टू कितना होगा वन इंटू टू टू होगा तो ट्वेंटी फोर प्लस टू कितना ट्वेंटी सिक्स तो इसका मतलब ये होगा मोलिकुलर फॉर्मूला जिस कार्बन कंटेनिंग गैसेस का कंटेनिंग गैसेस सब्सेंस के डेंसिटी होंगे उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कौन होगा सी टू एच टू कार्बन का बारह बारह दो न चौबीस और हाइड्रोजन का वन होता है मोलिकुलर वेट वन इंटू टू टू चौबीस और दो छब्बीस ओके नेक्स्ट टाइम से क्यू हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ सी टू विल बी प्रोड्यूस वेन वन मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स

ठीक है क्वेश्चन क्या वन वॉल्यूम ऑफ ओ टू विल बी रिक्वा चार सौ अड़तालीस लीटर ये आंसर कैसे होगा ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है ना क्यों होगा ये आपको खुद से करके देखना है अगर नहीं हो, आपसे होता है तो कमेंट में बताइएगा मैं आपको समझा दूंगा ओके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम ऑफ ओ टू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सी ओ टू बाई बर्निंग ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली बोलते हैं बारह ग्राम कार्बन को कंप्लीटली मुकम्मल तौर तो पर कंप्लीटली बर्न करने के लिए कितने ग्राम ओ टू की रिक्वायरमेंट है यानी कि जरूरत है तो बारह ग्राम कार्बन को कंप्लीट जलाने के लिए कंप्लीटली जलाने के लिए कितने ग्राम ओ टू की जरूरत है तो हम लोग को पहले ये रिएक्शन जाना होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे सी टू मिलेंगे तो कितने ग्राम बात कर रहे हैं यहां पर बारह ग्राम कार्बन कंप्लीटली क्या करना बर्न करना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो बारह ही है बारह ठीक है तो हमको पूछा जा रहा है कि बारह ग्राम कंप्लीटली जलाने पर हमको कितना सीओ मिलेगा तो देखिए सीओ मिलेगा हम लोग को कार्बन का है बारह ऑक्सीजन का है कितना सोलह सोलह इंटू क्या होगा दो होगा क्योंकि ओ है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बारह प्लस सोलह कितना आ जाएगा बोलिए बारह और बत्तीस चौवालीस यानी 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 मिलता है तो ऑक्सीजन कितने कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो देखिए ऑक्सीजन यहां पर देखिए सीओ टू मिलता है देखिए टू मेक सीओ टू सीओ टू बनाने के लिए तो 12 ग्राम कार्बन को अगर कंप्लीटली जाना जाए तो कितने सीओ टू मिलेगा 44 ग्राम ठीक है तो कितने ओ टू की रिक्वायरमेंट है तो ओ टू कितना ऑक्सीजन उक का है सोलह सोलह इंटू दो अगर ना समझ में आए तो वीडियो को जो है, बैक फिर से आप जो है देख लीजिए एक बार अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन से में बोलिएगा अच्छी तरह से और भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू विल बी प्रोड्यूस वेन वन मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स क्वेश्चन रिपीट हुआ तो बताइए एक बार मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया आप लोगों को फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ तो बताइए थ्री देखिए आपका आंसर दिया हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीस इज थर्टी टू वी कितना है थर्टी टू है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट डेंसिटी अगर बत्तीस हो तो मोलिकुलर वेट कितने होंगे तो मैंने क्या बताया एम इज इक्वल टू टू डी मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो एम इज इक्वल टू टू डी डी मतलब डेंसिटी uh, यहाँ पर जो है डेंसिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ है थर्टी टू टू इन टू थर्टी टू तो बत्तीस दोगुना चौसठ तो, 32 तो मोलिकुलर वेट कितना चौसठ और मोलिकुलर वेट पूछा गया है फोलोइंग इज इट्स मोलिकुलर वेट तो मोलिकुलर वेट क्या हुआ डी चौसठ देखिए चौसठ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार मैंने बता दिया आप लोग को वही क्वेश्चन है इफ द वावर डेंसिटी ऑफ अ कार्बन कंटेनिंग गैसेइंग कैन बी इट्स मोलिकुलर

में से कौन होगा तो देखिए छब्बीस आया तो 26 किसका हो सकता है देखिए कार्बन का है बारा, बारा, कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना है हाइड्रोजन का एक तो यहाँ पर दो है हाइड्रोजन का एटम तो, तो वन इंटू टू होगा तो वन टू या टू तो, तो चौबीस और दो कितना होगा छब्बीस ठीक है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिर से मैंने इसको समझा दिया

अल्काइन देखिए अल्काइन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे ठीक है ना देखिए ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है देखिए पर का का जो है, atomic, uh, का जो है वापर दिया 20, 20 दिया है है एटॉमिक कितना दिया दिया तो उसका मोलिकुलर वेट थोड़ा सा निकालते हैं मोलिकुलर वेट तो तो हम लोग जानते हैं एम्यू क्या होता है ऊडी तो डेंसिटी कितना दिया बीस दिया हुआ है तो वर्ड डेंसिटी बीस दिया तो बीस यहां पर होगा बीस दोगुना कितना हो गया चालीस तो ये मोलिकुलर वेट आ गया ठीक है अब यहां पर बोलता है कि अल्काइन में जो हाइड्रोजन के आइटम होंगे कितने होंगे ठीक है ना तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है जनरल फॉर्मूला सी एन है ना एस टू एन माइनस टू ओके तो ये बराबर क्या होगा फोर्टी होगा ठीक है इसका मोलिकुलर वेट और इसका मोलिकुलर वेट बराबर होगा ठीक है तो क्या करेंगे ओके okay, अब यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सॉरी uh, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बारह ठीक है तो बारह ओके बारह के साथ क्या गुना होगा एन ओके प्लस हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन का वन तो वन इन टू टू एन ओके माइनस ये टू रहेगा ओके इक्वल टू फोर्टी क्लियर और बारह के साथ एन को गुना दे दो तो बारह एन प्लस वन के साथ टू एन को गुना दो तो टू एन माइनस टू इक्वल टू फोर्टी अब बोले बारह एन और टू एन कितना हो जाएगा वेरी गुड फोर्टीन एन है ना इक्वल टू फोर्टी uh, ये फोर्टी है ये माइनस टू इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस टू है ना और फोर्टीन एन इज इक्वल टू फोर्टी और टू कितना फोर्टी टू हो जाएगा और एन बराबर क्या होगा बोलिए फोर्टीन फोर्टीन वन या फोर्टीन फोर्टीन थ्री है फोर्टी टू तो एन बराबर कितना आया एन बराबर आया थ्री हमको क्या बोला है हमको बोला हाइड्रोजन एटम कितने है ना द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द

सोलह तो ऑक्सीजन ओ है ना तो सोलह दोगुना कितना बत्तीस दो तो दो सोलह है और तो हम लोग जानते हैं कि एम गोल्ड क्या होता है टू अब तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए अब तो याद रखना ही है आपको ठीक है क्योंकि ये इक्वेशन जो बार बार इस इक्वेशन के से हम लोगों को जो है आ, जो है जो ये न्यूमेरिकल टाइप

टू डी ओके अगर हम लोग डी को रख लेंगे डी को रख लेंगे तो टू कहाँ आएगा नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कटने से कितना है बत्तीस ये दोनों का क्या निकालना है रेसियो निकालना है तो बत्तीस बत्तीस यानी थर्टी टू थर्टी टू इजेंसिटी सिक्सटीन ओके तो तो यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर एक यहां पर दिया हुआ है, तो है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन टू इज टू वन यानी मोलिकुलर वेट जो है वो डबल होगा वर्वर डेंसिटी हाफ होगा हम हाँ ऐसे ही कह सकते हैं एम इज गड क्या होता है टू डी इसका मतलब क्या मोलिकुलर वेट जो है वर्वर डेंसिटी का दो गुना है तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 32 हो तो वापर डेंसिटी कितना होगा 16 होगा हम इस क्वेश्चन से कह सकते हैं m e 2d मॉलिक्यूलर वेट जो है वापर डेंसिटी का दो गुना है। अगर मॉलिक्यूलर वेट 32 हो तो वापर डेंसिटी 16 होगा अगर मॉलिक्यूलर वेट 20 हो तो वापर डेंसिटी 10 होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मास ऑफ 11.2 लीटर O2 एट एसटीपी देखिए इसका मास निकालना है इज ऑप्शन ए है 16 ग्राम ऑप्शन बी है 96 ग्राम ऑप्शन सी है 32 ग्राम ऑप्शन डी है 1.6 ग्राम तो देखिए मास ऑफ 11.2 लीटर तो देखिए मास निकालना बड़ा आसान है ध्यान दीजिएगा हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं जब हम लोगों को यह पता हुआ कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एनी कंपाउंड एट एसटीपी या एनटीपी कह सकते हैं इक्वल टू क्या होगा बाईस पॉइंट चार इंटू गिवन मास बाई मोलर मास मोलर मास एम फोरिया पर मास